उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कलिंजर दुर्ग में 5 दिवसीय कलिंजर महोत्सव का कार्यक्रम आज से समापन हो गया। ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग को विकसित करने के लिए और लोगों को जल संरक्षण के लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अधिकारी बांदा द्वारा कराया गया था। कलिंजर महोत्सव में भव्यता लाने को सांस्कृतिक गैलरी बनाई गई, जिसमें कलिंजर दुर्ग में बने शैल चित्रों एवं कलिंजर वस्तु शिल्प पर अद्भुत प्रदर्शनी राधा कृष्ण बुंदेली मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा लगाई गई। स्वास्थ्य गैलरी, इस गैलरी में योगा केंद्र, आयुष विभाग, पटौरा की तरह से स्टॉल लगाए गए। इस गैलरी में 16 स्टॉल स्वास्थ्य विभाग ने लगवाए। अलग अलग स्टॉलों में नरैनी, बड़ोखर, कमासीन, जसपुरा एवं बबेरू और तिलवारी विकास खंडों ने अपने स्टॉल लगाए। एक गैलरी NRLM की तरफ से अपने समूह में बनाए जाने वाले उत्पादों को 20 स्टॉलों में लगवाया। महोत्सव में मुख्य आकर्षक का केंद्र रही शिव गली, जिसमें भगवान शंकर की अलग अलग मुद्राओं में 10 मूर्तियां रखी गई। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन चित्रकूट के द्वारा लकड़ी के खिलौने व गौरा पत्थर महोबा के द्वारा लगाया गया। कलिंजर महोत्सव में चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात रहा। इसमें 4 SHO, 60 कांस्टेबल, 20 महिला कांस्टेबल, 15 दीवान, 25 PRD जवान की ड्यूटी लगाई गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी है। महोत्सव परिसर में 10 जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए। ट्रैफिक के लिए 8 जगह बैरियर लगाए गए। कलिंजर दुर्ग को ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, देखिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में स्थित ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग विश्व कला धरोहर के लिए अनुपम कृति है। इस दुर्ग की गणना चंदेलों के 8 प्रमुख दुर्गों में की जाती है। उमा की सीमा पर स्थित यह दुर्ग एक सजग प्रहरी के रूप में चित्रकला से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। समुद्र तल से 375 मीटर ऊंचाई पर 90 डिग्री पर खड़ी इसकी दीवारें आज भी कारीगरी को विस्मित करती हैं। इसकी महत्ता वेदों, महाकाव्य पुराणों के साथ साथ बौद्ध, जैन एवं अन्य अनेकों साहित्य कृतियों में वर्णित है। यहाँ कलिंजर एवं शिव एक दूसरे के पूरक हैं। अभिलेखों में इसे कलिंजर, कलिजर्द्री कई नामों से तथा शिव नीलकंठ महादेव के अधिवास के रूप से सुविख्यात कहा गया। कलिंजर का पौराणिक महोत्सव शिव विश्वान से है। मान्यता है समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके जब भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया तो इसी स्थान पर विश्राम कर उन्होंने यह उपस्थिति औषधि से काल पर विजय प्राप्त की, इसलिए नीलकंठ नमः शिवाय से जाने जाते हैं। इस दुर्ग की सामरिक महोत्सव के कारण प्राचीन भारत में अनेक राजवंश लड़ाई रहते थे, फिर भी चंदेलों के बाद रीवा सोल की राजवंश के अधीन रहा। इस पर महमूद कचन भी कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, हिमायूं आदि ने आक्रमण किए पर असफल रहे। शेरशाह सूरी यहीं तोप का गोला लगने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुगल शासन काल में अकबर ने इस पर अधिकार किया, पर जल्द ही महाराजा छत्रसाल के अधिपत्य आ गया। स्वतंत्रता के बाद ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया। चंदेल शासक राजकीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान वीरांगना दुर्गावती का यहाँ जन्म स्थान भी है। कलिंजर के पर्यटन के विकास हेतु केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं। कलिंजर किला, देखने योग्य स्थान नीलकंठ सरोवर, कोटी तीर्थ, रम कटोरा, मृगधारा, सीता सेज, राजमहल, रानी महल, सीता कुंड, शानदार महल, बुढ़ा बुढ़ी तालाब, चरण रोग, लाभकारी धारव मूर्ति, पताल गंगा, पंडव कुंड, सिद्ध गुफा, भैरव कुंड, सरसरी गंगा, विशाल कल्प वृक्ष इत्यादि अनेक भूलेख हैं। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि आरके पटेल, सांसद पूर्व DM हीरा लाल, प्रवीण चौहान संचालक सहित तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर जो कलिंजर महोत्सव जो 20 से 24 तारीख तक चला और इस महोत्सव में जिला अधिकारी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, जो मतलब चारों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा महोत्सव एक कलिंजर एक गढ़ है जिससे गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में आप कई यहाँ के क्षेत्रवासी और यहाँ पर दूर दराज से मतलब यहाँ पर इस महोत्सव में उपस्थित हैं और इस महोत्सव को लेकर यहाँ पर जो जनता है और इसी तरह आपको चलते हैं धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ आगे।
आप लोग ये प्रदर्शनी लगाए हैं? भैया हमारा नाम गुड़िया देवी, मैं लखनऊ से आई हूँ। हमने पेशेंट ड्रेस का रोल के ड्रेस बनाई है और नए तरीके से सुविधाएं जनक उनके लिए बहुत उपयोगी ड्रेस हमने निर्माण किया है और इसको हमने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है। हमारा हमने आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, कौन करना चाहता है करके गेम चल। उसके ड्रेस में हमने दो ये बटन दिए और ये चैन दोनों तरफ, और ये चैन आप खोलेंगे और एड्रेस खोलेंगे, सर में डाला और यहाँ से लेके खींच दिया और एड्रेस हो गई। इसी तरह हमने नीचे का ये बनाया है और ये नारा है। नारा खोलेंगे आप और ये बटन खोलेंगे तो यहाँ पे नीचे करके आप लेडिन होगी, वो बेड पे पड़ा होगा, नीडल लगी होगी, ग्लूकोज चढ़ा होगा और सामने नली पड़ी होगी, तभी ड्रेस चेंज हो जाएगी। ये काज बटन है, आप खोलेंगे और ये लेडी से लेके पेशाब तक चैन है दोनों तरफ और ये बाथरूम में नली पड़ी रहेगी, तभी ड्रेस चेंज हो जाएगी। ये ड्रेस बेड पे जो ज्यादा रोगी होते हैं, जो मतलब बीमार होते हैं, उनको संक्रमण से भी बचाएगा और सिलाई के माध्यम से लोगों को रोजगार तक पहुंचाएगा। और इसको हमने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है। हमारे देश की उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार विदेशों में भी लागू करवा सकती है। इससे हमारे देश में मोटी रकम आएगी, हमारे देश की जो मतलब आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, हमारा देश उन्नति पे जाएगा। ये जो आपका कालिंजर महोत्सव का आयोजन हो रहा है, मैं इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक हूँ। जिला आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री हीरा लाल जी द्वारा कालिंजर का जो ये कालिंजर में जो ये इतना भव्य आयोजन किया गया है, ये अपने आप में ही इस महोत्सव का जो गौरव है पूरे बुंदेलखंड में गूंज चुका है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बुंदेली प्रतिभाओं को जो कि छुपी हुई थी उनको भी मौका दिया गया, ये इसलिए भी विशेष है। और यहाँ पर कई ऐसी बुंदेली गैलरियों का प्रयोग किया जा रहा है जिसको आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही भव्य है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये हमेशा हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसे महोत्सव होते रहें। अभी ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था, 20 तारीख से प्रारंभ हुआ था और अब 24 है, लास्ट तारीख है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ विशेष बुंदेली प्रतिभाओं को, विधाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आज भी बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पर दिखाई जाएंगी। हमारी मथुरा से यहाँ पर दानी शर्मा जी की टीम आई हुई है जो अपने आप में बहुत अच्छी टीम है, पूरे इंडिया में वो नाम कर चुके हैं, जिनके द्वारा फूलों की होली, मयूर नृत्य, घट नृत्य, ऐसे कई भव्य विधाओं का आयोजन होना है।